अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त बेबी टॉयज़ के अंदर एक टू इन वन प्रोडक्ट है जिसका हम आपको रिव्यू देते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट रोलर। और इसके दो फंक्शंस हैं, तो दो फंक्शंस मींस कि इसमें एक तो ये स्ट्रोलर भी है और दूसरा इसको राइड भी कर सकता है बेबी। तो अभी इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं इसकी बॉक्सिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी निकाल रहे हैं इसमें। ये इसको ट्रॉलिंग करने के लिए इसके अंदर ये इसके दो स्टैंड्स हैं, बाकी इसके अंदर ये कार आ गई। हाँ, इसकी असेंबलिंग जो है ना वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अक्सर जो व्यूअर्स हैं हमारे जो बायर्स हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि यार इन चीज़ों को जो है ना हमने असेंबल अपने घर पे किस तरह से करना है। तो नंबर वन तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही आउट क्लास है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत आउट क्लास है। मीन्स का इसका जो प्लास्टिक है बड़ा फ्रेश और बड़ा यानी कि एक्सपेंसिव किस्म का जो प्लास्टिक आता है, फ्रेश प्लास्टिक ये उसकी मेड है। और इसकी फिनिशिंग आप देखें बहुत ही नफीस किस्म की, बड़ी फाइन किस्म की इसकी फिनिशिंग है। और ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक है, मीन्स कि अगर इसको बच्चा चोट वगैरह मारता है या इसको किक करता है या गिर जाती है किसी दीवार में लगता है तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल किस्म का प्लास्टिक है। तो आपने इसको इसका जो देखें इसके स्टैंड जो है जिसके ऊपर उसने अपने जो फुट रेस्ट है वो आपने इसके नीचे लगाना है। तो हम आपको दोबारा दिखाते हैं किस तरह से लगता है। इसमें ये लॉक्स बने हुए हैं, तो ये इसको आप पुश करेंगे तो ये निकल आएगा। और इसके अब ये देखें सेंटर में इसके लॉक है, जैसे आप इसको रख के आप इसको नीचे से नीचे को पुश करेंगे तो ये इसका लॉक लग जाएगा। तो इसको जब पुश करते हैं आप तो ये इस लॉक के अंदर जाके बैठ जाता है बड़ा आराम से। तो जब निकालना होता है आप आपने इसको पुल करना है तो ये इसका जो फुट रेस्ट है ये निकल आता है। तो अभी इसके ऊपर आपको इसका स्टेयरिंग जो है वो स्टेयरिंग लगा के दिखाते हैं कि स्टेयरिंग जो है इसका थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि आपने इसके होल को बड़ा सेंटर लाइन करना होता है। तो अब आप ऊपर से जब इसको देखेंगे आपने इसको लाइन करना है कि वो कहाँ पर वो आ रहा है। ट्राई करते हैं कि आपको कैमरे की आँख से थोड़ा सा दिखा पाएँ। ये देखें यहाँ पे आ गया। आपने कोई पेचकस या कोई भी ऐसी चीज़ करके इसको सेंटर में कर लेना बस, ताकि वो नीचे ना जाए। तो करने के बाद इसको थोड़ा सा इसके जो जिससे व्हील मूवमेंट होती है इसके बाद आपने उसके अंदर इसको इंसर्ट करना होता है। इसको घुमा के आपको दिखाते हैं कि किस में जाके इसने व्हील मूवमेंट करनी है। ये जो वाला होल है ना तो इसमें जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये इसके व्हील को ऊपर से स्टेयरिंग को मूव करेगा तो ये व्हील इसको मूव करेंगे। तो अब इसके ऊपर आपने इसका स्टेयरिंग जो है उसको आपने टाइट कर देना। तो जो पेच होता है तो पेच लगाएंगे तो वो आपका इसके अंदर हो जाएगा। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िकल हॉर्न है इसके अंदर, तो बच्चा बड़ा एंजॉय करता है इसको, प्ले करता है। ठीक है, इसको आप नीचे से आपने हाथ रखना है ताकि स्टैंड जो है ना इसका जो लीवर है ना इसका व्हील्स का वो नीचे ना जाए। तो यहाँ पर करने के बाद आपने इसके अंदर जो है ना वो पेच लगा के इसको टाइट कर देना आपने। तो आप अगर इसको देखें यूं करके इस साइड के ऊपर आपने पेज टाइट कर देना। फिलहाल तो हम इसको टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको डिसेंबल करना है। तो ये इसके ऊपर एक छोटी सी इसकी डेकोरेशन की स्टिप है, तो वो भी आप इसको लगाएंगे। इसमें लॉक्स बने हुए हैं। तो एक और चीज़ होती है जो इसका नीचे एक बैरिंग सा होता है, आप समझ लेंगे होता है, तो वो प्लास्टिक की सपोर्ट होती है। तो वो हमें पता नहीं चला असेंबल करते हुए साइड पे पड़ी हुई थी। तो ये स्टेयरिंग लगाने से पहले आपने ये नीचे देखें वो गैप बना हुआ है, तो आपने इस वाशर टाइप को जो होता है ना आपने रिंग को नीचे लगाना है, उसके ऊपर बाद में आपने ये स्टेयरिंग आपने इसको टाइट कर देना है। तो अभी हम आपको दूसरा दिखाते हैं कि इसका सीट रेस्ट जो है ना मीन्स के बेबी के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, तो बड़ा इसकी स्पोर्ट टाइप लुक है। तो ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। या आप इसको लगाएंगे इसके अंदर तो इसको पुश करेंगे लॉक इसके अंदर बैठ जाएंगे तो बच्चा इस पर यानी कि राइड करते हुए गिरता नहीं है। तो दूसरा ये है ट्रॉलिंग के लिए। तो आप ये स्ट्रॉलर जो है ना ये आप इसको लगाएं इसके नीचे से, ये देखें ये एक इसके अंदर लॉक बना हुआ है जो आप इसको जब नीचे पुश करेंगे तो उसके अंदर जाके ये टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा उसके अंदर।
इसके अंदर ये इसका लॉक बना हुआ है, इसको आप पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद पुश करने के बाद आपने इसको नीचे को प्रेस करना है, ये देखिए जोर थोड़ा लगेगा बस, इसको थोड़ा सा आपने यूं करके इसमें ये लॉक लग गया। तो अब ये एक प्रॉपर वो आप बन गया, आप इसको जो है इसको ये स्ट्रॉलर में ये शिफ्ट हो जाता है। तो इसके ये साइड आर्म है, ये देखें ये दो एक लगा इधर, ये उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, मीन्स के लेफ्ट राइट ये आप देखें। इसके अंदर दूसरा भी लगा के दिखाते हैं हम आपको। इससे ये होता है कि ये आपकी गाड़ी जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहेगी। इसके अंदर ये इसमें ये लॉग्स हैं उल्टा लगे, ठीक है। तो वो इसके आर्म जो है वो लेफ्ट राइट लगे हुए हैं, आपने इसको लगा के वो स्टेयरिंग जो इसका वो टेढ़ा लगा हुआ है थोड़ा सा, आपने इसको मूव करके जब दूसरी तरह लगाएंगे तो इस पर फिक्स हो जाएगा। तो आप इसको रखने के बाद इसको जब प्रेस करेंगे ये इसके अंदर होल्ड हो जाएंगे, ये दोनों बिल्कुल इसका स्टीयरिंग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। मीन क्या भाई, इसको आप लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड इसको आप करते मूव तो ये लेफ्ट राइट नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। तो आपके लिए बेबी को कैरी करना हैंड हेल्ड बड़ा ईजी हो जाता है। देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसको अगर ये देखें राइट। तो ये था जी आज का रिव्यू इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्मार्ट स्ट्रॉलर जो है। तो इसके अंदर म्यूजिकल हॉर्न है, स्पोर्टी लुक वो आप देख सकते हैं कि कितना आउट क्लास इसकी लुक है, और असल में इसकी फिनिशिंग बहुत आउट क्लास है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है, प्लास्टिक मोल्डिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी। तो मार्केट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इसकी पर्सनली जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी है। सारी लुक जो है आपको हम दिखा रहे हैं, ये इसका बैक रेस्ट है सीट के ऊपर लगा हुआ है, और ये इसका म्यूजिकल सिस्टम है, बड़ा एंजॉय करते हैं ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक को। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो काइंडली हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें और इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लिंक पे क्लिक करें, तो आप इसको बाय कर सकते हैं अभी। थैंक यू।